दोस्तों अगर हमने लास्ट वीक देखा होगा तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जैसे कि टीसीएस का रिजल्ट लगा था और जो कि आईटी इंडेक्स ने बहुत ही अच्छा किया, इसलिए निफ्टी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करिए, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं। लेकिन आने वाले वीक में बहुत सारे जो है कि कंपनी के रिजल्ट है और स्पेशली इंफोसिस का रिजल्ट है और बहुत सारे इवेंट्स है, ये इवेंट्स और रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और मार्केट के भी एनालिसिस करूंगा, तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 15 तारीख से लेके 19 जुलाई तक मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे बताऊंगा और इवेंट के बारे में भी बात करूंगा। दोस्तों आने वाला वीक जो है वहाँ पे 17 तारीख को मुहर्रम है और मुहर्रम का छुट्टी है, तो यहाँ पे हमको 4 दिन ही मिलेगा जहाँ पे ट्रेडिंग है। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स रहेंगे और मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या करेगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीक जो मार्केट था तो मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। तो निफ्टी 179 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव था, यानी निफ्टी में यहाँ पे पॉजिटिविटी था बिकॉज ऑफ के टीसीएस रिजल्ट और आईटी का परफॉर्मेंस। लेकिन बैंक निफ्टी 382 पॉइंट यहाँ पे डाउन था, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी का रेंज, तो मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर देखा है निफ्टी का रेंज वो है 24,700 का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है 24,300 का। तो हम लोग चार्ट के ऊपर भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे देखने वाले हैं। और क्या न्यूज़ है कि जिसकी वजह से मार्केट जो है कि इम्पैक्ट कर सकता है, तो देखिए कि सैटरडे फ्राइडे को जैसे कि इन्फ्लेशन और आईएपी डेटा जो है कि उसका डेटा आया था, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडली है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो रिटेलर का ये स्लाइडली थोड़ा सा अप है, और जैसे कि आईएपी डेटा ये बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही इम्प्रूव है, और मंडे को जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी इन्फ्लेशन आने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट जो है कि मंडे को हमारे मार्केट के ऊपर पड़ेगा ही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि टीसीएस का रिजल्ट का इम्पैक्ट पड़ा और जो कि आईटी जो सेक्टर है ये पॉजिटिव हो गया, आने वाले वीक में जो है कि इंफोसिस और आईटी कंपनीज के रिजल्ट है, तो उससे भी मार्केट एक इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से कंपनी का कभी यहाँ पे रिजल्ट है। तो जो कि 15 तारीख को जो फाइनेंशियल सर्विस का यहाँ पे रिजल्ट है, 16 तारीख को बजाज ऑटो और क्रिजिल का रिजल्ट है, 17 तारीख को एशियन पेंट का रिजल्ट है और एलएनटी माइंडट्री का भी रिजल्ट है, 18 तारीख ये इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, 18 तारीख को जो है कि इन्फोसिस का रिजल्ट है, 17 तारीख को बुधवार को जैसे कि मार्केट बंद है, 18 जो कि गुरुवार यानी फ्राइडे को फिर से इन्फोसिस का जो है कि इम्पैक्ट आ जाएगा और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। टीसीएस का भी बनाया था और ये बहुत ही अच्छा लेवल यहाँ पे वर्क हो गया, और हेवेल्स का भी 18 तारीख को है, 19 तारीख को विप्रो का है तो वो भी आईटी कंपनी हो गया, और जेएलडब्ल्यू स्टील का भी 19 तारीख को है, 20 तारीख को कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक का रिजल्ट है, तो इतने ये है कि उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। लेकिन हम लोग एक्चुअल निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि इंडेक्स है क्या कह रहे हैं, और उसके बाद आपने पूछे हुए शेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी का ये देख रहे हैं, और निफ्टी हम लोग तो वीकली एनालिसिस करें तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं तो बहुत ही अच्छा और ठीक ठाक है, जो कि एक पॉजिटिव है। हम लोग थोड़ा वीकली देख लेते हैं, तो यहाँ पे वीकली में भी देखेंगे तो पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ पे डेली देखते हैं, तो जैसे कि कुछ अगर वीकली और मंथली में इन्फॉर्मेटिव है तो मैं आपको शेयर करूंगा, अदरवाइज कैंडल जो है कि क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग डेली में देखेंगे तो जो कि रेंज था और मार्केट 24,500 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा था, फ्राइडे को टीसीएस का जो इम्पैक्ट आ गया और आईटी इंडेक्स बढ़ गया, तो उसकी वजह से जो है कि 24,500 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होने को यहाँ पे सक्सेसफुली क्लोज हुआ। अभी जैसे कि 24,500 एक ग्राउंड फिगर है, तो मंडे को भी अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ऊपर वाला जो टारगेट है 24,700 जो कि ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने रेजिस्टेंस देखा तो वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जो कि पहले जो रेसिस्टेंस था 24,463 ये जो हाई था, ये अभी हमारा एकदम शॉर्ट टर्म जो है कि यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो उसका मेजर सपोर्ट रहेगा 24,172 जो कि ये इसका बेस रहेगा, ये मेजर इसका निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा, और यहाँ पे निफ्टी पॉजिटिव साइड मुझे दिख रही है। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, अगर आप मंडे को इंट्राडे करते हो। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे
जो लेवल्स यहाँ पे बना हुआ है जो कि डेली का ही 24,596 के ऊपर जाता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, सेल करेंगे 24,463 के नीचे ही हम लोग सेल के लिए देखेंगे। नेक्स्ट जो है कि बैंक निफ्टी, यहाँ के अगर बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे तो इसका हम लोग थोड़ा सा मंथली चार्ट भी देखते हैं। तो यहाँ पे मंथली में देखिए कि एक डोजी फॉर्म किया है, तो डोजी फॉर्म करना क्या होता है कि एक ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट यानी कि इसके ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके नीचे अगर ब्रेक किया तो एक नेगेटिविटी हो सकता है। तो डोजी कैंडल थोड़ा जो कि इम्पोर्टेंस होता है, हम लोग वीकली देखेंगे तो वीकली में भी देखिए कि एक छोटा सा जो है कि नेगेटिव कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाया। हम लोग डेली में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी जो ट्रेंड लाइन था उसके नीचे क्लोज दिया है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था भी कि यहाँ पे नीचे से सपोर्ट आया तो ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा, किया भी था, लेकिन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंस लेवल दिया था 52,754, इसके ऊपर ये क्लोज होना चाहिए। फ्राइडे को नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे दूसरी ट्राई तो किया, तो ये लेवल है कि अगर इसके ऊपर जो कि बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अगर उसका उल्टा कि 51,955 ये जो लेवल है, ये लो है, ये अगर इसके नीचे क्लोज होना चालू करे तो ये नेगेटिव है, और जो कि गुरुवार को बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया था और जैसे मैंने प्रिडिक्शन किया तो एक मूवमेंट भी बैंक निफ्टी ने दिया था, लेकिन क्या है कि बैंक निफ्टी को अभी तक उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मे बी बैंक निफ्टी का जो है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी के भी जैसे रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे तो इसको सपोर्ट मिल सकता है, बट हमको जो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना है। तो न्यूज़ बाद में इम्पैक्ट करता है, लेकिन न्यूज़ जो क्या है ये अपना प्राइस रहता है वो डिस्काउंट करता है। ये बैंक निफ्टी के मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, तो कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव है। हम लोग इंट्राडे में देखते हैं अगर हम लोग को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो रहेगा 52,243 के नीचे, अगर हम लोग जाता है तो सेल करेंगे। बाइंग के लिए थोड़ा ऊपर लेवल रहेगा, वो रहेगा 52,515 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। नेक्स्ट जो है कि फिन निफ्टी, तो यहाँ पे अगर हम लोग फिन निफ्टी देखेंगे तो फिन निफ्टी ने भी देखिए कि फ्राइडे को ऊपर से यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, तो फिर निफ्टी का जो लेवल है 23,758 एक रेसिस्टेंस है, और नीचे सपोर्ट है जो है 23,400। इसमें हमको मंडे को इंट्राडे करना है तो वो लेवल होगा, हम लोग सेल करेंगे 23,586 के नीचे, और बाइंग के लिए लेवल रहेगा 23,685 के ऊपर बाइंग करेंगे। दोस्तों जैसे कि इन्फोसिस और TCS का रिजल्ट आ गया और इन्फोसिस का बाकी है, लेकिन हम लोग अगर निफ्टी आईटी ये देखेंगे तो निफ्टी आईटी ने जो नियर ये था रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है बहुत ही स्ट्रांगली, तो इन्फोसिस का भी रिजल्ट जो है कि एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आ सकता है, और यहाँ पे जो है कि आईटी को ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आईटी का मैंने जो लेवल निकाला था तो ये ऊपर वाला जो लेवल है 39,400 जो है कि 39,400, तो ये भी जल्दी आते हुए दिखेगा या शायद इसको भी ये ब्रेक करके जा सकता है। तो यहाँ पे आईटी इंडेक्स जो है कि बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, और एक नज़दीक वाला ब्रेकआउट किया और ऑल टाइम हाई का भी जो उसका ब्रेकआउट है तो वो भी करेगा, तो इसीलिए इन्फोसिस का आने वाला रिजल्ट बहुत ही हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अभी हम लोग उन स्टॉक के बारे में देखेंगे कि जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है, तो मिस्टर पहला जॉर्ज करके उनने मुझे आइडिया के बारे में पूछा है। अगर हम लोग आइडिया का पूरा चार्ट देख दे तो पहले इसका सपोर्ट हो रहा था यहाँ पे 12 रुपये से 17 रुपये में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो रहा था, लेकिन इसे थोड़ा सा ऊपर 19 रुपये भी ये ब्रेक किया, लेकिन अगर ये अभी नीचे आ रहा है तो इसका सपोर्ट हो रहा है 14,1478 ये जो इसका सपोर्ट है, अभी ये थोड़ा इधर तक आ सकता है, तो आपने बाय किया होगा तो 14,78 का सपोर्ट जो है कि टॉप लॉस लगा सकते हो, या नया बाय करने के लिए सोच रहे हो तो वेट करो, यहाँ तक आने के बाद आप बाय के लिए यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो मूवमेंट है मुझे यहाँ पे नीचे आते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है कि मनोज जी करके उन्होंने RVNL के बारे में पूछा है, तो RVNL जो है कि रेल का स्टॉक है और 23 तारीख को बजट है, तो बजट की वजह से जैसे कि बहुत सारे स्टॉक चल रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि कुछ स्टॉक चल रहे हैं, उसमें से जो कि रेलवे जो है कि सेक्टर है, और बाकी भी जैसे PUC सेक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें से ये स्टॉक है RVNL। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फुल फ्लेज में चल रहा है और 90 डिग्री में चल रहा है, तो 90 डिग्री में जब भी कोई स्टॉक चलता है और न्यूज़ की वजह से ये थोड़ा रिस्की भी होता है, नो डाउट कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है।
यहाँ पे मैंने नीचे से इसके जो टारगेट निकाला थे, तो मेरा फिबोनाची का 161 का टारगेट भी इसने कम्प्लीट किया। लेकिन अगर आपको फिर भी बजट के लिए कुछ दिन है और वो जो मूवमेंट का फायदा लेना है, तो आप अगर बाय करते हो तो 595 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। ऑलरेडी 626 चल रहा है, तो उसमें और भी कुछ परसेंट ऊपर जाने की क्षमता है। कि न्यूज के ऊपर मार्केट जब भी चलता है तो उसके टारगेट हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बट अगर आपको ट्रेलिंग टॉप लॉस करना है तो 595 का ट्रेलिंग टॉप लॉस करके इसको आप बाय कर सकते हो। नहीं जो स्टॉक है अतेर इंडस्ट्री करके, मुझे राजीव जी करके उन्होंने पूछा है, अगर हम लोग उसका ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो देखिए कि यहाँ से ये गिरा था। अगर आपको चार्ट सीखना है तो बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा बीच में कि देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन है, यानी यहाँ से गिरा था, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी आया तो देखिए कि रिसेंटली गिरा है और यहाँ से बाइंग आ रही थी पहले उसकी। अभी देखो यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिवर्स होके यहाँ से गया, तो अभी ये सपोर्ट इसका ये है, तो बहुत ही क्लियर होता है कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानते हो और स्टॉक के लिए ट्रेड करते हो, तो ये स्टॉक में अभी फिलहाल अगर आपने बाय किया होगा तो इसका जो टॉप लॉस है 855 का टॉप लॉस लग सकता है, या फिर आपको बाय करना है तो ये लेवल पे आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बना था तो आप बाय कर सकते हो। फिलहाल ये लेवल के ऊपर बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और जिनके पास है उन्होंने ऊपर वगैरह बाय किया होगा तो प्रॉपर टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड कीजिए। नहीं जो है कि ONGC संजय जी करके उन्होंने मुझे पूछा है, ONGC हम लोग स्टॉक देखेंगे तो देखिए कि एक आगे ऑल टाइम हाई भी है और इसके नज़दीक ये आने को देख रहा है, बहुत ही अच्छा। अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और जैसे जितने भी गवर्नमेंट PSU स्टॉक है ये बजट के टाइम से बहुत ही अच्छे चले, इलेक्शन का जो कैंडल था उसके भी ऊपर यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका फिबोनाची रिसेंटली निकाला है, तो इसका बहुत ही अच्छा मोमेंटम ये भी बाकी है। 298 का अगर टॉप लॉस लगा के यहाँ पे नए भी ट्रेड ले सकते हो, या फिर जिन्होंने लिया होगा ये टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। ऊपर का टारगेट है 319 और नेक्स्ट टारगेट है 341 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है, तो ONGC के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू है, उसको अच्छी तरह देख सकते हो। नेक्स्ट जो है कि PFS स्टॉक के बारे में मुझे पूछा है, AGG करके उनके चैनल का नाम है, इसको थोड़ा पीछे जाके देखते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव है और भी पॉजिटिव जा सकता है, 58 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है, नज़दीक वाला टॉप लॉस है 50 का हम लोग लगा सकते हैं। और जैसे कि नेक्स्ट अगर ये 58-16 को ब्रेक करता है तो 67 का भी यहाँ पे टारगेट आ सकता है, तो ये अच्छी तरह चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे CDSL, तो मुझे CDSL के बारे में गिरीश जी करके उन्होंने पूछा, तो देखो CDSL मीन्स क्या होता है, डिपॉजिटरी का है, और देखिए कुछ दिन पहले मैंने CDSL जो कि मैंने रिकमेंड किया था लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए, तो जितने भी अपने डिमेंट अकाउंट बढ़ते हैं तो इसमें पॉजिटिविटी आ सकता है। लेकिन अगर आपको टेक्निकली यहाँ पे बाय करना है तो आपने बाय किया होगा तो 2216 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हो। अभी जैसे कि 100.2452 यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाता है तो 2687 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा लॉन्ग टू मीडियम टर्म देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो है कि रुद्र गैस करके मुझे सरिता जी करके उन्होंने पूछा है, देखिए ये स्टॉक जो है ये मुझे BSE पे मिला, अगर ये BSE में देखेंगे और इसमें कभी कभी सर्किट भी लगे हुए और ये बहुत ही जैसे कि इसका चार्ट काम है, लेकिन ये देखिए कि डाउन 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 जा रहा है और एक यहाँ पे एक रेंज बनाया, तो ऐसे मैं रेकमेंड करूँगा कि ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए, और जैसे कि अच्छे स्टॉक है जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया ONGC वगैरह, तो ऐसे स्टॉक में आपको फोकस करना चाहिए। फिर भी आपने पूछा तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसका जो सपोर्ट है 154 है और रेजिस्टेंस 187 है, तो ए लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हो, ऊपर ब्रेकआउट के बाद बाय कर सकते हो, या नीचे आता तो इसको टॉप लॉस करके आप लगा सकते हो। ट्रैक्समैन करके जो स्टॉक है उसके बारे में मुझे प्रदीपम जी करके उन्होंने पूछा, तो इसका ओवरऑल हम लोग चार्ट देख लेते हैं, तो अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक कुछ मीन्स एकदम साइडवेज है, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं है। इसका रेसिस्टेंस जो है 99 है और यहाँ पे सपोर्ट है 85 और ये इन बिटवीन है। अगर हम लोग नज़दीक का सपोर्ट लेते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ, तो नज़दीक का सपोर्ट यहाँ पे आ सकता है 90 रुपीज़, तो यहाँ पे अगर बाय किया हो तो 90 रुपीज़ का टॉप लॉस लगा और 99 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो इसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने बात किया या इंडेक्स के बात किया, तो ये मेरे टेक्निकल व्यूज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि आने वाले वीक में ये ऐसे चलेंगे। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए, और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में
तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल करो या व्हाट्सअप करो और मेरे साथ टेक्निकल से सीखो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपको कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।